विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से वीडियो बना रहे हैं। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है लोकस। लोकस के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया, जैसे कि स्पेस में या किसी भी प्लेन पर एक पॉइंट जिस पाथ पर मूव करता है उस पाथ को हम लोकस कहते हैं। लोकस का बेसिक केसेस जो है उस पर आज हम वीडियो बनाएंगे। बेसिक केसेस प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेते हैं हम और उस पर हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। ए सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर हैज इट्स सेंटर 75 mm फ्रॉम ए वर्टिकल लाइन ए बी। ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट पी मूविंग इन ए प्लेन सच दैट इट ऑलवेज रिमेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन सर्कल एंड लाइन ए बी। एक लाइन ए बी वर्टिकल खींच लेंगे, इसके सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। इस लाइन पर एक 50 mm सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल के सेंटर से इस वर्टिकल लाइन का जो डिस्टेंस है 75 mm रहेगा। साथ ही वह पॉइंट जो प्लेन पर मूव करेगा जिसके पाथ को ही हम लोकस बोलेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे, वह पॉइंट सर्कल और इस वर्टिकल लाइन के बीच में होगा। आइए अब इसको हम क्वेश्चन समझ के किस तरह से ड्रॉ करना उस पर बात करते हैं। ये मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं और इस स्टेप्स किसका ड्रॉ करेंगे अब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले मैंने लाइन ए बी ड्रॉ कर लिया, इसके सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर यहाँ से 75 mm डिस्टेंस लेकर एक पॉइंट मार्क किया, इस सेंटर पॉइंट को लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका डायमीटर 50 mm है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पॉइंट पी हम मार्क करते हैं। पॉइंट पी से 5 mm डिस्टेंस लेके लेफ्ट साइड और राइट साइड हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, उसके बाद इनका मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इस ए बी के पैरेलल में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी इस पर रहेंगे आप लाइन वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर से इस वन की दूरी को लेकर इस सेंटर से इस पॉइंट पर आर्क काटेंगे और सेम आर्क यहां भी काटेंगे वन पर, ये वन की वर्टिकल लाइन पर। इसी तरह से सी से टू का डिस्टेंस लेकर ये टू वाली जो वर्टिकल लाइन है इस पर यहां और यहां हम पॉइंट आर काटेंगे। उसके बाद यहां से थ्री तक का डिस्टेंस लेकर हम यहां और यहां आर काटेंगे। उसी तरह से सी से फोर तक का डिस्टेंस लेकर मेजर करके इतना ही आर्क हम फोर में, ये जो वर्टिकल लाइन फोर में हम आर्क काटेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो आर्क काटे हैं इनके कटान बिंदुओं को हम इस तरह से मार्क करेंगे। पी वन हो गया, इसको मार्क करेंगे पी टू हो गया, इसको मार्क करेंगे पी थ्री हो गया, इसको मार्क करेंगे पी फोर हो गया, इसको पी फाइव हो गया,
AP6 हो गया, AP7 हो गया, AP8 हो गया। तो इस तरह से ये जो बिंदु मार्क हो गए हैं, यह मार्क या पॉइंट मूव करने का इस प्लेन पर ये पॉइंट जो मूव हो रहा है, इस मूव करने का ये जो पॉइंट मार्क हमने कर दिया, इसको अब हम मिला देंगे। और यह जो मिलाए हैं आके जो प्राप्त हुआ है, यही लोकस है इस पॉइंट पी का, ठीक। और यह पी का जो डिस्टेंस है, पहले ही बात किया कि यहां से इक्वल डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ठीक। इस तरह से यह प्रॉब्लम बेसिक लोकस का हमने किया और इस तरह से यह प्रॉब्लम फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू।